डायबिटीज एक ऐसी बीमारी जो हमारे शरीर को दीमक की तरह खाती चली जा रही है। हर घर में आपको डायबिटीज का एक ना एक मरीज जरूर मिल जाएगा। क्या आप जानते हैं दिल्ली में 43% लोगों को डायबिटीज है। पूरे भारत में 7 करोड़ से भी ज्यादा लोग डायबिटीज से परेशान हैं। डायबिटीज एक बीमारी नहीं, एक बिजनेस बन चुका है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि डायबिटीज में आपका सारा पैसा खर्च हो जाता है और जो कंपनीज इनके लिए दवाई बनाती हैं वो मालामाल होती जाती हैं। दोस्तों, डायबिटीज कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो सारी उम्र चले। आप चाहें तो इसे सही ढंग से कंट्रोल कर सकते हैं और जड़ से भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन आपको इसके बारे में कोई बताता नहीं है क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस बन चुका है जिसमें बहुत सा पैसा डॉक्टर्स और ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज बना रही हैं। आज मैं आपको भिंडी की सब्जी के जरिए डायबिटीज को खत्म करने का एक ऐसा इलाज बताऊंगा जिससे कि आप 3 महीने के अंदर अपनी डायबिटीज को जड़ से खत्म कर पाएंगे, वो भी सिर्फ भिंडी की सब्जी से। जानकर आप थोड़ा हैरान हो रहे होंगे, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप ये समझ जाएंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूं और कैसे भिंडी की सब्जी का इस्तेमाल आपको करना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर पसंद आए तो उन लोगों के साथ भी शेयर करें जो डायबिटीज की बीमारी से जूझ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये बीमारी हमारे शरीर को अंदर से खोखला करती है। क्या आप जानते हैं डायबिटीज की दवाई लेने से 10 साल के अंदर आपकी किडनी, आपका लीवर तक फेल हो सकते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के अग्रवाल का कहना है कि भिंडी इंसुलिन रेजिस्टेंस का काम करती है और आयुर्वेद के अकॉर्डिंग भी भिंडी डायबिटीज के लिए बहुत अच्छी होती है। तो आखिरकार कैसे भिंडी के जरिए डायबिटीज कंट्रोल हो सकती है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, आपको 4 से 5 भिंडी लेकर उनको बीच में से कट लगाना है। इसके बाद आपको 1 गिलास पानी में रात को उस भिंडी को भिगोकर रखना है। भिंडी को भिगोने के लिए आप कांच या फिर कॉपर का बर्तन का ही इस्तेमाल करें। इस तरह से भिंडी को रखने के बाद आप उसे ढककर रख दें। सुबह जब आप उठें तो खाली पेट भिंडी के उस पानी का सेवन आप जरूर करें, और वो भी आपको खाली पेट और बिना ब्रश किए ही करना है। ऐसा अगर आप लगातार 3 महीने तक करते हैं तो आप विश्वास नहीं करेंगे, आपकी डायबिटीज जड़ से खत्म हो जाएगी। फिर आपकी शुगर चाहे 300 या 400 ही क्यों ना हो, वो आपकी शुगर 100 से 150 तक आ जाएगी। इससे आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा और ना ही इसका कोई नुकसान है। सबसे बढ़िया बात है कि भिंडी में फोलेट होता है जो कि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं डायबिटीज को ठीक करने के साथ साथ ये भिंडी आपकी और भी बीमारियों को ठीक कर सकती है। लेकिन उसके बारे में जानने से पहले हम ये जानते हैं कि भिंडी का पानी कैसे डायबिटीज को ठीक करता है। दोस्तों, डायबिटीज में आपके शरीर में इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिससे कि हमारे खून में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। यही ग्लूकोज का लेवल बढ़ने से हम कहते हैं कि शुगर हो गई। दोस्तों, शुगर की बीमारी को कंट्रोल करने के लिए सबसे ज्यादा आपकी डाइट इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी डाइट में जितना हो सके कम कार्बोहाइड्रेट्स ही लेना चाहिए। ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं चावल और मैदा। अगर आप अपनी डाइट में से चावल और मैदा को खत्म कर देते हैं तो आप आसानी से डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप भिंडी के पानी को लगातार 3 महीने पीते हैं तो फिर तो आपकी डायबिटीज जड़ से ही खत्म हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, आप मेथी, करेला, गिलोय और नीम के जरिए भी डायबिटीज को आसानी से खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं भिंडी के जरिए कैसे हम और भी बीमारियां ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि भिंडी के जरिए डायबिटीज के साथ साथ और कौन कौन सी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। दोस्तों, आपको भिंडी के पानी का इस्तेमाल जैसा मैंने आपको सुबह बताया वैसा ही करना है। इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपका वजन कम होने में भी आपको मदद मिलेगी। अगर आप मोटे हैं, अपने वजन को कम करना चाहते हैं, तो बिना डाइट और एक्सरसाइज की अगर आप सिर्फ भिंडी का पानी सुबह खाली पेट पीते हैं तो आप अपने वजन को आसानी से कम कर सकते हैं। लगातार 3 महीने ऐसा करने से 15 से 20 किलो तक वजन बिना डाइट और एक्सरसाइज के कम किया जा सकता है। दोस्तों, वजन कम करने में भिंडी का पानी आपकी जिस तरह से मदद करता है, चलिए थोड़ा जानते हैं। हमारे शरीर में एक प्रोसेस होती है जिसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में ही हमारा खाया हुआ खाना एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अब जो लोग मोटे हैं उनकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म रेट कम होता है, जिस कारण से उनका खाया हुआ खाना एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाता और चर्बी जमा होती जाती है। लेकिन जैसे ही आप भिंडी का पानी पीना शुरू करते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म प्रोसेस फास्ट हो जाता है, जिससे कि आपका जो खाना है वो तो एनर्जी में कन्वर्ट होता ही है, आपके शरीर का फैट भी एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, आंखों की रोशनी को बढ़ाने में भी भिंडी का पानी बहुत अच्छा होता है।
क्योंकि भिंडी के पानी में विटामिन ए बहुत ज्यादा मात्रा में होता है और ये विटामिन ए ही हमारी आंखों की रोशनी बढ़ाता है। इसलिए दोस्तों अगर आपकी आंखों पर चश्मा लगा है तो आपको भिंडी का पानी लगातार 3 महीने इस्तेमाल करना चाहिए। इससे आपकी आई साइट बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी और आपका चश्मा भी उतर जाएगा। शरीर में खून की कमी होने पर भी ये भिंडी का पानी बहुत अच्छा है। दोस्तों क्या आप जानते हैं हमारे शरीर में ज्यादातर बीमारियां तो खून की कमी से ही होती हैं। खून की कमी वैसी है जिस तरह से किसी गाड़ी में पेट्रोल का ना होना। अब अगर किसी गाड़ी में पेट्रोल ना हो तो वो गाड़ी काम कैसे करेगी। उसी तरह से ही अगर आपके शरीर में खून ही कम है तो शरीर के जो बाकी बॉडी पार्ट्स हैं वो अच्छे से काम ही नहीं कर पाते, जिससे हमारे शरीर में थकावट, आलसपन, मेमोरी लॉस और ना जाने कितनी बीमारियां होती रहती हैं। तो इसीलिए दोस्तों खून की कमी को दूर करने के लिए आपको भिंडी के पानी को सुबह खाली पेट लगातार 3 महीने पीना चाहिए। इतना ही नहीं दोस्तों, किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम को भी ये भिंडी ठीक करती है। आजकल किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है। इसका सबसे बड़ा कारण है एक्सरसाइज ना करना। जब हम एक्सरसाइज नहीं करते तो हमें स्वेटिंग यानी कि पसीना नहीं आता, जिस कारण से हमारे खून में गंदगी बढ़ती रहती है और यही खून की गंदगी हमारी किडनी में स्टोन्स के रूप में जमा हो जाती है। इसीलिए दोस्तों अगर आप भिंडी का पानी सुबह खाली पेट पीते हैं तो ये आपकी किडनी को साफ करने में आपकी मदद करेगा। लगातार 2 से 3 महीने भिंडी का पानी पीने से किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए खत्म की जा सकती है। इतना ही नहीं दोस्तों, हार्ट डिजीजेस में भी भिंडी का पानी बहुत काम आता है। क्या आप जानते हैं भारत में हर 1 मिनट में कोई ना कोई एक इंसान हार्ट अटैक से मरता है। हार्ट अटैक एक ऐसी बीमारी है जिसका आपको शुरुआत में पता ही नहीं चलता, एकदम से जब अटैक आता है तब ही पता चलता है। इसलिए दोस्तों आप अपने आप को इस बीमारी से बचाकर रखें और जिसके लिए जरूरी है आपका दिल स्वस्थ रहे और आपके खून के अंदर की गंदगी बाहर निकले, जिससे कि आपको हार्ट डिजीजेस का सामना ना करना पड़े। तो इसलिए दोस्तों अगर आप भिंडी का पानी हर रोज सुबह खाली पेट पी रहे हैं तो इससे आपका खून साफ होगा, जिससे कि हार्ट डिजीजेस में आपको फायदा मिलेगा। साथ ही साथ भिंडी का पानी पीने से कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी कम होता है और इससे हमारा दिल स्वस्थ रहता है। तो देखा दोस्तों सिर्फ एक भिंडी की सब्जी किस तरह से आपकी बीमारियों को ठीक कर सकती है। और सबसे बड़ी बात है डायबिटीज, जो कि आजकल ये कहा जाता है कि डायबिटीज को तो ठीक किया ही नहीं जा सकता, और वही बीमारी हमने आपको बताया कि कैसे भिंडी के जरिए ठीक हो सकती है। मेरी आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज को एक बार ट्राई जरूर करके देखें। ये नहीं कि आपने हमारी बात सुन ली और उसके बाद उसे अप्लाई ही नहीं किया। हम लोग कई तरह के रेमेडीज सुनते तो हैं लेकिन उन्हें अप्लाई नहीं करते, और अगर अप्लाई करते भी हैं तो 2-4 दिन और उसके बाद देखते हैं कि हमारा शुगर लेवल तो कम ही नहीं हुआ। हमने आपको 3 महीने कहा है, कम से कम आपको 1 महीना तो ये ट्रीटमेंट करना ही है। उसके बाद अगर आप 3 महीने कर लेते हैं तो फिर तो आपकी ये बीमारी जड़ से ठीक हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों मेरी आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी अपनी बीमारी को ठीक कर सकें। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो ज्वाइन होना बिल्कुल फ्री है। वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा दें। साथ में एक बेल आइकन भी है, उसके ऊपर भी क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ऐसे ही ओरल एपिसोड्स के साथ दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।